असम के गोलपारा में तालाब में फंसे छह हाथी, जेसीबी मशीनों से दो घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के गोलपारा जिले में एक गंदे तालाब में छह जंगली हाथी फंस गए थे। वन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें शुक्रवार शाम को रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगली हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में मेघालय के पास की पहाड़ियों से इलाके में आया था। गोलपाड़ा के लखीमपुर इलाके में कीचड़ भरे तालाब में चारा खाने के दौरान एक बछड़ा समेत छह हाथी फंस गए। गांव के कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत स्थानीय वन अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। गोलपाड़ा के वन अधिकारी ने बताया कि हाथियों के रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था। उन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। जंगली हाथियों को निकालने के लिए पूरे अभियान में करीब दो घंटे का समय लगा। वन अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि छह हाथी एक तालाब में फंस गए हैं। हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। कम से कम 10 जंगली हाथी तालाब में नहाने के लिए गए थे और उनमें से चार बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन छह हाथी फंस गए। बाद में हमने इन हाथियों को बचाने के लिए दो जेसीबी का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।